नमस्कार, जय श्री राधे, जय माता रानी। राशियों के क्रम में हम जब मंथली राशि बतला रहे हैं तो राशियों के क्रम में आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मंथली आपको राशिफल बतला रहे हैं और यह आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इसको जन्म राशि से देखेंगे, नाम राशि से नहीं देखेंगे। जन्म राशि अवेलेबल ना होने पर अगर नहीं पता है तो नाम राशि से आप देख सकते हैं, लेकिन उनका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, आपको 50% ही इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं। महादशा आपकी अच्छी चल रही है तब ये राशिफल आपके में घटित होगा। महादशा अच्छी नहीं चल रही है और मैं अच्छा बतलाऊंगा तो वो राशिफल घटित नहीं होगा। महादशा अच्छी चल रही है, इधर भी अच्छा ही चल रहा है तो फिर आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। महादशा के ऊपर में ही सब डिपेंडेंट रहता है, वरना राशिफल कभी सही नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं मिथुन राशि के बारे में बताते हैं। मिथुन राशि को प्रथम दृष्टि में देखने से क्या फल मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसको जानते हैं। देखिए, यहां पर राशि परिवर्तन लिख दिया है, कौन से ग्रह कितने दिन तक वहां बैठ रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अनुसार से इधर मैं समझा रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए देखिए क्या अच्छा और क्या बुरा। सबसे पहले दृष्टि जो गया मेरा शनि का, मिथुन राशि वालों के लिए शनि बड़ा अच्छा ही होता है। शनि भाग्येश होकर के, भाग्य का मालिक होकर के भाग्य भाव पर बैठा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बार बार कह रहा हूं कि दशा अच्छी होनी चाहिए तब अच्छा होगा। अगर दशा विपरीत है तो महाराज जी बोल रहे हैं कि भाग्य भाव का सपोर्ट मिल रहा है तो भाग्य को सपोर्ट मिल रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। शनि भाग्य के मालिक बनकर के भाग्य भाव पर बैठा है, ये यात्राएं दे सकती है, विदेश यात्राएं दे सकती है, समुद्र पार की यात्राएं, धर्म कर्म के काम में रुचि बढ़ा सकता है और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ठीक, अष्टम भाव का स्वामी भी बनता है तो अष्टम भाव से संबंधित, अष्टम भाव किस चीज का है, रुकावटों का है तो थोड़ा सा रुकावटें काम के सिलसिले में आपको दे सकता है। तीसरा दृष्टि आपके बड़े भाई के घर पर पड़ा हुआ है तो बड़े भाई के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी ला सकती है। सातवें दृष्टि में छोटे भाई बहन के घर पर दृष्टि, शनि छोटे भाई बहन में थोड़ा सा दिक्कत खड़ा कर सकता है, उनके रिश्ते में दिक्कत खड़ा कर सकता है। और फिर ये छठे घर पर दृष्टि डाल करके बैठा हुआ है, छठे घर पर दृष्टि डाल करके रोग रिपु ऋण इनसे निजात दिलाएंगे, क्योंकि शनि का जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक है और छठे घर में वो देख करके उस चीज को वो निजात दिलाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ अगर छठे घर पर दृष्टि डाल रहा है तो एक चीज हो सकता है कि वो आपके एक्सीडेंटल वाला जो मामला है उसको बढ़ा देगा। ठीक, दूसरा चीज जो नजर आया है वो राहु और केतु, मैं बड़े बड़े ग्रह को पहले पकड़ लिया। ठीक है, राहु दशम भाव का, राहु राजनीति में है तो राजनीति में सपोर्ट प्रदान करेंगे। ठीक, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में ये उछाल देगा, क्योंकि जिसका राहु दस में, दुनिया उसके बस में, ऐसा कहा जाता है। तो राहु का दसवा होना बड़ा अच्छा ही है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बिजनेस सब में वृद्धि करेगा, कूटनीति में वृद्धि करेगा, आप राजनीति माइंड वाले हो जाएंगे, कूटनीति वाले माइंड वाले हो जाएंगे। ठीक है, और स्त्रियां हैं तो स्त्रियों के लिए कूटनीति, अब वो जिनका नेचर ही ऐसा नहीं है या लग्न भी लग्न मायने रखता है, मैं पहले ही बतलाया आपको, पूरा कुंडली विश्लेषण करके ही सब चीज पता लगता है, लेकिन स्त्रियों के लिए भी ये अच्छा ही है। अब बुरा कहाँ है, बुरा यहाँ है कि राहु केतु आपके माता पिता के घर पर बैठा है तो माता पिता के स्वास्थ्य में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। दूसरा चीज, कलह की स्थिति घर पर ये बढ़ा सकता है। और केतु फोर्थ हाउस में बैठा है तो नींद की जो बीमारी है या फिर कहा जाए मन का उचटना, ये हो सकता है, या तो नींद का या तो फिर मन कहीं नहीं लगना ऐसा। और उसके बाद मंगल गुरु को देखते हैं, मंगल गुरु आपके द्वादश हाउस में बैठे हुए हैं, द्वादश घर में बैठे हुए हैं और गुरु जो है सप्तम और कर्म का क्षेत्र का मालिक बनकर के बैठा हुआ है तो सप्तम व्यापार का भी होता है, सप्तम पति पत्नी का होता है। मंगल के साथ बैठा, पति पत्नी के साथ कोर्ट कचहरी वाला मामला हो जाना, अगर पहले से चल रहा है तो उसको बढ़ा देना, ये चीज हो सकता है। आपके जो खर्च है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पैरों में समस्या ये ला सकता है और काम काज के लिए आपको विदेश भेज सकते हैं गुरु। मंगल बैठे हैं तो उस जाने में रुकावटें पैदा करना, या फिर ये कहा जाए कि आप एकदम जल्दबाजी कर बैठेंगे रिश्तों को, पति पत्नी के संबंध को लेकर के जल्दबाजी कर बैठेंगे, कार्य क्षेत्र को लेकर के जल्दबाजी कर बैठेंगे मंगल के हो जाने से। आय भाव का मालिक मंगल बैठा हुआ है तो ये ऐसा कर सकता है। अब उसके बाद में सूर्य बुध शुक्र जो सेकंड हाउस में बैठा है ये अच्छा है। धन भाव पर बैठा सूर्य शुक्र और बुध, ये
आपको गीत संगीत में रुचि दिलाएगा, धन भाव को बढ़ा देगा, धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा, धन संचय करवाएगा, ठीक। और सूर्य के सेकंड हाउस में बैठने से आपकी वाणी को तेज कर देगा, आप एकदम खरी खोटी बोलना चालू कर देंगे, सूर्य का नेचर होता है। सब के सब अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, चोट चपेट एक्सीडेंट, उसको वो संभाल लेंगे, ठीक। ओवरऑल मैं सब चीज सही देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए भाग्य भाव ठीक है, लेकिन उनका जो राहु केतु का एक्सेस है, स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में कम लगता है ऐसे में, ठीक। दूसरा चीज बिजनेसमैन वालों के लिए सबसे अच्छा है, घर गृहस्थी वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है, और देखा जाए स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा है, गीत संगीत वालों के लिए बहुत अच्छा है, और रोगियों के लिए उतना अच्छा नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे पर बैठा है और मंगल गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, रोगियों के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, ठीक। ओवरऑल सब चीज अच्छा और बुरा दोनों आपको बदला दिया, करना क्या चाहिए। मिथुन राशि वालों को तो गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, दूबी चढ़ाना चाहिए, लाल फूल चढ़ाना चाहिए, गणपति आराधना करनी ही चाहिए। और विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक बस इतना ही। जय श्री राधे, जय माता रानी।